वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम आप पहले काफी सारे वीडियो बनाते थे बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं, तो इस तरह की वीडियो और बनाइए, वो काफी दिन से नहीं आ रहे हैं। तो आप ही की रिक्वेस्ट पे आज मैंने वीडियो बनाया है। ये टॉपिक है बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं। देखिए, ये हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आज हो चुका है। स्कूल में तो बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं, वहाँ माहौल भी होता है, लेकिन जब वो घर पे आते हैं तो नहीं बोल पाते, तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती और वो फ्लुएंसी जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बच्चों को इंग्लिश बोलना हम कैसे सिखाएं, उनको माहौल कैसे दें। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अपने दूसरे चैनल लेट्स टॉपिक पल्लवी को भी जरूर फॉलो करें यूट्यूब पे। इसके अलावा मॉमीज प्लैनेट इंडिया के बहुत सारे वीडियो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी देख सकते हैं, @ मॉमीज प्लैनेट इंडिया के नाम से उसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लोग आसपास बोलते हैं तो हम सुन सुन के सीखते हैं। स्पेशली अगर छोटे बच्चों की मैं बात करूँ तो भाषा कैसे सीखते हैं, हमारी भाषा, आपकी भाषा, क्योंकि घर में लोग बोलते रहते हैं तो सुन सुन के वो सीख जाते हैं और बोलने भी लगते हैं। तो सेम होता है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। स्कूल में तो टीचर्स बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, तो बच्चे वहाँ फॉलो कर लेते हैं, लेकिन घर पे तो ये माहौल नहीं मिल पाता है, हम उनसे बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें करनी होगी कि घर में माहौल बनाना होगा। हो सकता है आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टू वर्ड सेंटेंसेस तो आप बोल ही सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम तो आप इंग्लिश में बोल ही सकते हैं। कोशिश करना है कि बच्चों के सामने मैक्सिमम वर्ड हम इंग्लिश में बोले। अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जहां मैं मॉम्स को भी बता रही हूँ कि इस तरह से सेंटेंसेस आप बोलिए। तो जैसे आप बच्चे को बुलाना चाह रहे हैं कि इधर आओ, तो आप बोल सकते हैं कम हियर कम हियर। तो होता है ना, छोटे छोटे वर्ड आप बोलेंगे, जितना ज्यादा आप बोलेंगे ना उतना ज्यादा बच्चे को वो घर में माहौल मिलेगा। तो बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है वो भी इंग्लिश में होगी, तभी वो फ्लुएंसी आ पाएगी। हमारे साथ दिक्कत क्या होती थी कि हम बोलते थे ट्रांसलेट करके, जैसे हमें कुछ बोलना है तो आज भी प्रॉब्लम हम ट्रांसलेट करके बोलते हैं, लेकिन जो बच्चे बचपन से उस माहौल में रहते हैं वो उसी लैंग्वेज में थॉट उनका आता है, इसी लैंग्वेज में बोलते हैं, इसलिए फ्लुएंसी आती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोजर आपको इन लैंग्वेज का देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोशिश करें कि बच्चे जो घर में कार्टून देख रहे हों, कोई मूवी देख रहे हों, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हो। इससे क्या होगा, लैंग्वेज का एक्सपोजर और ज्यादा होगा। हो सकता है उन्हें दो सेंटेंस समझ में नहीं आए, थर्ड सेंटेंस में कोई वर्ड उन्हें पता हो तो वो मीनिंग उसका आर्टिकुलेट कर ले। इस तरह से क्या होगा ना, जितना ज्यादा वो एक्सपोज होंगे उतना ज्यादा उनकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी, उतना जल्दी वो सीख पाएंगे। तो कोशिश करना है कि कोई कार्टून हो गया, कोई मूवी हो गई, बच्चे हमारे इंग्लिश में ही देखें। तीसरी चीज, बच्चे को जो आप स्टोरी सुनाते हैं, कोई भी स्टोरी सुनाते हैं, तो उनको एनकरेज कीजिए कि वो भी आपको स्टोरी सुनाए। इससे क्या होगा, बच्चे की जो लैंग्वेज की पकड़ वो बढ़ेगी। वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकती है, लेकिन चूंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बच्चे हिंदी में तो आराम से बोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बच्चों को एनकरेज करेंगे कि वो खुद से स्टोरी बनाए। हो सकता है बच्चे इस तरह से बोलेंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ, तो आप बोलेंगे लॉयन, तो कहेगा हाँ हाँ लॉयन, ओके वॉज द लॉयन हंग्री। तो आप यहाँ पे बच्चे को हेल्प करेंगे, बच्चे जहां अटकेंगे वहां पे एक वर्ड बता देंगे, उनको एक सेंटेंस बता देंगे। तो इससे क्या होगा ना, उनके सेंटेंस फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो उनको आसान लगेगी, वो ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहेंगे। तो यहाँ पे बच्चे को हमें पुश करना है, बच्चे को हमें हेल्प करना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसी तरह स्कूल में भी होता है, वहां भी टीचर्स बच्चे को इसी तरह हेल्प करते तो बच्चे कन्वर्सेशन करने लगते इंग्लिश में। तो सेम चीज हमें घर में भी करना है, बच्चे को कोई स्टोरी सुनाए, कुछ भी बताए, तो कोशिश करेंगे बच्चे को बोलेंगे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन इन इंग्लिश ओनली एंड आई विल हेल्प यू। तो वो उस चीज से भागेगा नहीं। होता क्या है ना कि बच्चे को डर लगता है कि मैं गलत बोल दूंगा, तो ये दिमाग से निकालना है, बच्चे को एनकरेज करना है, पुश करना है कि बच्चे हमारे बोलना सीखे, बोलना चाहें। नेक्स्ट मैं बोलूंगी जो मैं भी करती थी, जैसे बच्चे के साथ आप कहीं मार्केट निकल रहे, कहीं बाहर निकल रहे, तो काफी सारे होर्डिंग्स रहते हैं चारों ओर, तो बच्चों को एनकरेज करें वो पढ़ने के लिए। जैसे कुछ लिखा रहता है ना कि फ्री टोमेटो, फ्री ये, कुछ भी इस तरह से लिखा रहता है, प्रोडक्ट इज नाइस, कुछ भी इस तरह से होर्डिंग पे लिखा रहे, तो बच्चों को एनकरेज कीजिए पढ़ने के लिए। जितना ज्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे उतना अच्छा वो बोल पाएंगे, क्योंकि उनके पास वोकैबुलरी होगी, उनके पास शब्दकोश होगा, तो वो बोलना भी सीख पाएंगे। स्कूल में क्या होता है, बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं तो वो नए नए वर्ड बोलते हैं, फिर वो बार बार सुनते हैं तो उसका मीनिंग वो समझते हैं, फिर वो अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो हमें हम घर पे भी ऐसा कर सकते हैं, बच्चों के साथ नए नए वर्ड बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बोल सकते हैं,
और बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं। आप देखते होंगे जो बच्चे बड़े शहर में रहते हैं उनकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं रहती बट फ्लुएंसी बहुत रहती है, क्योंकि बचपन से वो इस चीज से एक्सपोज हैं, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी इंग्लिश में चल रही है, जिसकी वजह से वो आराम से बोल पा रहे हैं। हमारे साथ क्या है कि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, हम नहीं चाहती प्रॉब्लम हमारे बच्चे फेस करें, इसलिए बहुत जरूरी है कि घर पे माहौल बनाना है, बच्चे को बोलना सिखाना है, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इस लैंग्वेज को एक्सपोज करना है। कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि क्या आप अंग्रेजी अंग्रेजी कहती हैं, भारतीय भाषा तो हमारी हिंदी है। बिल्कुल है, मैं खुद एक हिंदी भाषी बेल्ट से बिलोंग करती हूँ, मैं प्राउड फील करती हूँ हिंदी बोलने पे, लेकिन जब आप ग्लोबल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां पे इंग्लिश का महत्व बढ़ जाता है, आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश में रहती है, हायर स्टडीज इंग्लिश में रहती है, तो बहुत जरूरी है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आए। और जो दूसरे सिटीज में लोग रह रहे हैं जहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं है लैंग्वेज का, वहां पे बच्चों को हमें अगर एक्सपोज करना है तो हमें ये सारी चीजें करनी होंगी। तो पहली चीज, आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा घर में माहौल देंगे इंग्लिश लैंग्वेज का। दूसरा, फिल्म, टीवी, कार्टून कुछ भी हो, कोशिश करना इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाना है। थर्ड, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप घर में यूज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। फोर्थ, आप कोशिश करेंगे, आप बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे और एनकरेज करेंगे बच्चों को कि वो भी स्टोरी फॉर्म करें इंग्लिश में। और पांचवी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों को रीडिंग के लिए उकसाएं, कहीं कुछ होर्डिंग पे लिखा हो, कहीं कोई टाइटल लिखा हो, कहीं कुछ आ रहा हो, तो बच्चों को एनकरेज करें पढ़ने के लिए। आप उसका मीनिंग बच्चों को बताएं, आप देखेंगे बच्चों की शब्द को जैसे जैसे बड़ी होगी बच्चे खुद ब खुद इंग्लिश में फ्लुएंसी में बात करना सीख जाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जरूर फॉलो करें, @MommiesPlanetIndia हैंडल है मेरा। इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी को भी जरूर फॉलो करें। देखते रहे मॉमीज प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।